नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज़ लाइव 24 में। तो इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के धुम्मनगंज क्षेत्र में, जहां पे इस बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है रामकथा का। तो आइए हम जानकारी लेते हैं हमारे पूजनीय आचार्य अंकित कृष्ण जी महाराज से। तो महाराज जी, ये बताइए, ये जो आपने इतना भव्य आयोजन किया है, ये इससे श्रद्धालुओं को क्या बताना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को यही बताना चाहते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संसार में अगर सत्य है ईश्वर ही सत्य है और संसार जो है मिथ्या है। और इस प्रयागराज की पावन भूमि से राम कथा करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि प्रयागराज की ही पावन भूमि में दिव्य राम कथा का समागम होता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है इन श्रद्धालुओं के लिए भी, जो रामचरितमानस जहाँ से कथा प्रारंभ होती है, भरद्वाज जी को जो याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई है, तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज जी जो है यहीं प्रयागराज में ही उनका आश्रम है, यहीं बसते हैं। तो रामचरित्र की जो पावन कथा है वो यहीं प्रयागराज की पावन भूमि से ही प्रारंभ होती है। तो यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम यहाँ है, वैसे ही श्रद्धालुओं के जीवन में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों उनको प्राप्त हो, यही इस रामचरितमानस का उद्देश्य है और यही सबके लिए संदेश है। यही सबको नौ दिवसीय इस कथा में, इस समागम में सबको बताना चाहते हैं। तो इस कथा को शाम को ही क्यों सुना जाता है? शाम को एक तो समय की वजह से, दूसरी बात गोधूली वेला जो है शाम को ही आती है, तो उसका विशेष महत्व, जिस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है उस समय कहते हैं हमारे भूत भावन भगवान शंकर जो है भ्रमण करते हैं, इसलिए सायंकाल के, क्योंकि भगवान शंकर जो है भक्तिदाता हैं। अगर भक्ति कोई दे सकता है तो भगवान शंकर के सिवा कोई भक्ति नहीं दे सकता है, इसीलिए सायंकाल की वेला में ही इस कथा को श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो हमने सुना आचार्य जी कि ये कथा 5, 7 और 9 दिन की ही होती है, तो ऐसा कुछ खास विशेष बात? 7 दिन का, 9 दिवसीय तो ऐसी कोई विशेष नहीं है, पर 7 दिन का बस यही विशेष है कि हर जीव को 7 दिन के अंदर ही मरना होता है, और 7 ही वार होते हैं, 7 ऋषि होते हैं। और भागवत जी, वो राम कथा का बस एक उद्देश्य यही है कि नवधा भक्ति, भक्ति भी 9 नवधा होती है, हमारे खंड भी 9 हैं, इसीलिए ये 9 दिन का विधान बनाया गया है। रामचरितमानस की पावन कथा जो है 9 दिवसीय ही होती है, बस इसका यही कारण है और कोई कारण नहीं है। तो कुछ श्लोक सुना दीजिए आप। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। तो जैसा अभी आपने सुना जाना, और वैसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ साई न्यूज़ लाइव 24। भगवान हनुमान जी प्रपत्ते श्री वायुनंदनायन पूजनी सर्वोपचाराथे गंगा चक्रवाणि समर्पये। Oh,